दक्षिण भारत के तेलंगाना में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसी ही तस्वीरें वहां पर भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें देखते ही देखते लोग पानी में बहते जा रहे हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम इलाके की हैं। पानी की तेज धार को पार कर रही महिलाओं की जान जोखिम में है। पानी का बहाव इतना तेज है कि ये महिलाएं टिक नहीं पा रही हैं और एक दूसरे को सहारा देते हुए उस पार जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगले पल जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, झुंड की एक महिला का पांव फिसलता है और वो गिर पड़ती है। साथ की महिलाएं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि वो अपनी साथी महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ सके। देखते ही देखते महिला पानी की बेकाबू लहरों के साथ बहने लगती है। मौके पर खड़े लोग भय के मारे चीखने लगते हैं। पानी में फंसे किसी भी शख्स की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इसे कोई बचाने के लिए आगे बढ़े। महिला बहती चली जाती है और आंखों से ओझल हो जाती है। आसपास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद ऐसे ही हालात बन गए हैं। अब हम आपको तेलंगाना से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 163 की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से बाढ़ का पानी हाईवे के ऊपर से बहता जा रहा है। हाईवे से गुजर रहे पानी के बीच से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल होता जा रहा है। इस गाड़ी को देखिए, कैसे इसका ड्राइवर इस सोच में पड़ा है कि आगे जाए या नहीं। हाईवे पर पानी आने की वजह से हालात काफी बुरे हो गए। जो जिस तरफ था उसी तरफ रहने को मजबूर हो गया। तेलंगाना में पैदा हुए इस हालात का अनुमान पहले ही जताया गया था। राज्य सरकार ने बुधवार और गुरुवार यानी आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी थी ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो जाए।